फ्यूचर एकदम सर। दिखाने जा रहा हूँ बिहार सीट में ईद के जस्ट बाद 10 दिन तक लगातार चलने वाली मेला। यहाँ बड़ी दरगाह करके जगह है, यहाँ 10 दिन तक लगातार मेला चलते है, बहुत ही संख्या में लोग यहाँ आते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे जो लोग जा रहे हैं वो यहाँ दरगाह का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ चादरा चढ़ता है और हर गली मोहल्ले से यहाँ चादरा आता है। मैं जा रहा हूँ बड़ी दरगाह, आप लोग वीडियो में बने रहे हैं और वहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है जो मैं आपको दिखाता हूँ, और वीडियो में बने रहे लास्ट तक देखें और फुल वॉच करें। रोटी बनाने का जो तरीका है ये काफी गजब तरीका है। जैसे कि ये बना रहे हैं रोटी, एक बार में कम से कम ये 6-7 लोग मिलकर खाएंगे तब जाके खत्म होगा। तो आप देख रहे होंगे जो रोटी बना रहे हैं ये काफी गजब तरीका है इनका रोटी बनाने का। ये रोटी तैयार हो गया है और रोटी का जो मतलब गोला रहता है आप देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा गोला बनाया गया है। ये एक रोटी का एक गोला है और कस्टमर लोग सब खा रहे हैं, बैठे हैं, आप देख सकते हैं और बहुत सारा लोग हैं। भीड़ बहुत ही आज यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ। और अगर आप वीडियो बिहार सीट के बाहर से देख रहे हैं तो आप बिहार सीट में कभी आते हैं ईद के बाद, ईद में घूमने के लिए, तो ईद के जस्ट 2-3 दिन के बाद ये मेला स्टार्ट हो जाता है और 10 से 12 दिन लगातार रहता है। तो आप भीड़ देख ही रहे होंगे कितना ज्यादा है यहाँ। मेले का जो तैयारी होता है, यहाँ लोग आते हैं तो खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, इस तरह का चीज यहाँ है जो अवेलेबल है। जो लोग आते हैं यहाँ इस तरह का बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है। ये क्या है, ये वाला क्या है? साहिल हलवा। तो आप लोग नॉर्मल घर में तो हलवा ही खाते हैं, लेकिन मेले में आप आते हैं तो यहाँ साहिल हलवा आपको खाने को मिल जाएगा। ये साहिल हलवा है और ये रोटी पे इसको क्या बुलाता है, इसको मुकिलिया पराठा इसको बुलाता है, जो हम रोटी बता रहे थे। ये बहुत बड़ा रोटी है, एक बार में 3-4 लोग मिलकर खाएंगे तब जाके खत्म होगा। और चीजें हैं यहाँ दुकान में, अलग अलग तरह के चीजें यहाँ बनी हुई है, एक अलग तरह के सोनपापड़ी भी यहाँ है। यहाँ पे दुकान सोनपापड़ी है जो बहुत ही अलग तरह का है, आप देख सकते हैं ये सोनपापड़ी ही है।
जो नॉर्मल हम लोग घर में खाते छोटा छोटा वो हमने स्पेशल तरह से डिजाइन किया हुआ है। हर स्टॉल पे यहाँ अलग अलग तरह की चीजें हैं जो बिक रही है खाने के लिए। फाइनली मैं बड़ी तरह का मस्जिद है उसके गेट पे हूँ और अंदर जाने वाला हूँ। मैं बड़ी तरह का मस्जिद के अंदर एंट्री कर गया हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ का कैसा व्यू है। तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखें, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये सब प्रसाद है जो यहाँ लोग आते हैं, जो भी दर्शन करने के लिए बाबा जी का आते हैं तो प्रसाद लेके जाते हैं। आप देख रहे हैं सब प्रसाद ही बिक रहा है और ये साथ में फूल और चादर है छोटा छोटा। प्रसाद है, अगरबत्ती है और चादर है छोटा छोटा। तो बड़ी दरगाह का व्यू है, काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ आप देख सकते हैं आप मैं सजावट है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा भीड़ है, काफी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, चादरा चढ़ाने के लिए। अंदर का जो सीन है मैं उसको दिखा रहा हूँ। और आप दोनों में जाकर अगर आप
आपको जो दुनिया में मेरे लिए घर बनाया मैं उसको बाहर फटने को बनाऊंगा। तो चंदन करने का यहाँ नहीं कहा है, चंदन करने के लिए धन चाहिए है। आप तमाम सारे मस्जिद से हम बाहर जा रहे हैं, बड़ी दरगाह जो मस्जिद था वहाँ से बाहर जा रहे हैं। और मैं आपको आगे का जो रिकॉर्डिंग रहेगा वो यहाँ झूला लगा हुआ है, झूला के साथ साथ में बहुत सारा चीज लगा हुआ है। मेला Thank you.